वो सारी चीजें आज के वीडियो में समझेंगे लाइव। तो वीडियो अब आप सभी नमस्ते को सर। दिखाई देगा, देखिए चेक करेंगे मीटर बीप देता है या नहीं। यहाँ पे बीप आ रहा है। इसके बाद ये दोनों जो पॉइंट है स्पीकर के, फोन चाहे कोई भी हो, कीपैड एंड्रॉइड कैसा भी कोई भी हो, आपस में चेक करेंगे। बीप तो नहीं दे रहा, नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये लाइन शॉर्ट नहीं है। फिर चेक करेंगे कि ये लाइन ग्राउंड तो नहीं है, तो ग्राउंड के लिए हम चेक करने के लिए यहाँ पर रख सकते हैं। ग्राउंड से कोई बीप नहीं है, कोई बीप नहीं है, तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। इसके बाद अब जैसे हमें लाइन चेक करनी है कहाँ पे पहुंच रही है, जिसे कहते हैं ट्रैक करना, यहां से यहाँ पे बजा, इसका मतलब है बजने का, इसका ट्रैक यहाँ से अब इस पे जुड़ा है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन जुड़ी है इस पॉइंट तक, इसलिए बीप आ रहा है इसमें। इसके बाद इधर चेक करते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे, यहाँ पे कोई बीप नहीं है। अब इसको चेक करेंगे क्या ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड से चेक करें, तो यहाँ पे रख लेते हैं, ये ग्राउंड बजा। ये क्या है, एक कंपोनेंट है। ये जो कंपोनेंट है ये पैरलर में लगा है, ये कंपोनेंट पैरलर में लगा हुआ है, ये ग्राउंड के साथ में पैरेलल में लगा है ना। हाँ ग्राउंड के साथ और एक इस पॉइंट के साथ। दोबारा समझे, यहां से लाइन इधर बज रहा है, देखो ये इधर बजा, इधर नहीं बजा, तो हमने चेक किया यहाँ से, तो ग्राउंड से बजा, तो एक तरफ तो बजा यहाँ से और एक तरफ बजा ग्राउंड से, तो ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। जैसे कल थ्योरी में बताए थे सेम प्रोसेस। इसके बाद आगे की लाइन चेक करते हैं, यहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इधर नहीं है, ये ग्राउंड है, ये भी पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में, एक दो तीन कंपोनेंट है, चौथा ये है, तो यहाँ तक ये लाइन पहुंची। अब ये कीपैड में मैंने बताया है, इसी तरीके से दूसरी लाइन भी चेक करेंगे, तो रिंगर स्पीकर रिसीवर के पॉइंट साथ साथ रहते हैं। ये बजा, इधर नहीं है, ग्राउंड से चेक करो, ग्राउंड है, ये पैरलर में है, ये किस में है, पैरलर में। इसके बाद आगे की लाइन चेक करते हैं, यहाँ बजा, यहाँ पे नहीं बज रहा, चेक करें, ये भी पैरलर में है, तो सेम कंपोनेंट है, ये बजा, इतना चेक कर सकते हैं। सर ये माइक का कनेक्शन है। नहीं रिंगर स्पीकर, इनमें ग्राउंड से शॉर्ट नहीं है और आपस में भी शॉर्ट नहीं है। यदि आपस में शॉर्ट हो जाता तो इसका मतलब इन दोनों का पैरलर का कंपोनेंट शॉर्ट है, जो कल बताए थे। अब इसकी लाइन चेक करनी है, तो इसके लिए भी आप यहाँ पर रखेंगे एक प्रोब, जैसा एक लाइन चेक करेंगे वैसे ही दूसरी चेक करनी है। इधर नहीं बज रहा कहीं भी, इधर बजा, इधर बजा, इधर बजा, इधर, तो ये यहाँ से ट्रैक यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुंच रहा है, इधर नहीं बज रहा, चेक कर ले क्या ग्राउंड है, ये ग्राउंड है सारे, तो ये कंपोनेंट पैरेलल में है इसके। इसके बाद जो इसकी लाइन है कहाँ जाती है, उसको चेक करने के लिए एक पॉइंट यहाँ रखेंगे, यही ये पॉइंट है इसके, तो वही जहां थे वहां एक पॉइंट रखा मैंने, यहाँ पे आ रहा है इस जगह, यहाँ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, चेक करेंगे क्या ये ग्राउंड है, नहीं है, ये ग्राउंड नहीं है, लेकिन बीप यहाँ पे आ रहा है और ये ग्राउंड नहीं है, तो इसका मतलब सीरीज का कंपोनेंट यहाँ से निकला है।
सीरीज का कंपोनेंट यहां से निकला है, कॉइल हो सकती है, फ्यूज हो सकता है, निकला है या फिर ओपन है साहब? ये निकला निकला हुआ है यहां से, किसी ने तोड़ दिया है। बिल्कुल हाँ वो तोड़ दिया, लेकिन ओपन हो जाता है तो भी ऐसा होता है ना? यही होगा, यदि यहाँ पे लगा भी होता और ब्रेक हो हाँ जाता तब भी यही प्रॉब्लम होती, हाँ हाँ यदि लगा होता ठीक होता तो यही बीप यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाता और इसके बाद इसमें चला जाता। इसी को कहते हैं ऑडियो आईसी, जो कल आपको बताई थी। ऑडियो आईसी जो होती है, हाँ सर डायरेक्ट हम लोग कैसे जा सकते हैं वहां पे? हमको जी, कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट वहां से उठ के और यहाँ पे चला आया टकला ये? ये ढूंढना पड़ेगा, जब मालूम पड़ेगा ढूंढना पड़ेगा, ट्रेस करना पड़ेगा लाइन पूरी। ट्रेस करना पड़ेगा, लाइन ट्रेस करने के बाद पता चलेगा कि वहां से वहां तक है। इसके बाद ये बैटरी कनेक्टर है, मैंने बताया था बीपीएच या बैटरी का प्लस जाता है माइक बंद करने से भी। ये आईसी है, माइक बंद कर ले जिसका भी खुला है। अब यहाँ पे जो है बैटरी का प्लस पॉइंट पकड़ेंगे या बीपीएच, ऑडियो आईसी के पास जाना चाहिए। ये वीपीएच बैटरी का प्लस नहीं होता ना, ये अलग होता है ना? हाँ ये अलग होता है, लेकिन लाइन एक ही होती है, वो चार्जिंग आईसी से बनता है। यहाँ पे चेक किए, इसको पकड़े, इस आईसी के पास चेक करेंगे पूरी लाइन कहाँ बजता है या नहीं बजता। देखो यहाँ बज रहा है, ये बज रहा है, ये बज रहा है इसके। इसके बाद इसके अंदर जाएगा। अब ये हमारी ऑडियो आईसी है, इसी तरीके से दूसरे बोर्ड में चेक करते हैं। अब जैसे ये पॉइंट है, ये ग्राउंड नहीं है, ये भी ग्राउंड नहीं है, पर कोई आपस में शॉर्टिंग भी नहीं है। अब इनकी जब लाइनें चेक होंगी तो लाइनें चेक करने के लिए क्या करना है कि एक पॉइंट रखेंगे हम, यहाँ पे बज रहा है, देखो यहाँ नहीं बज रहा, यहाँ बज रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे कम कॉइल जो है टूटा है, यदि लगा होता खराब भी होता तब भी यही दिक्कत होती। यहाँ बजेगा यहाँ नहीं बजेगा। आगे चेक करते हैं, ग्राउंड तो नहीं है, आगे ग्राउंड नहीं है। अब क्या करेंगे, इससे आगे जब लाइन ट्रेस करेंगे, यहाँ मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ मिलने के बाद ये कॉइल है इसमें गया, ये ऑडियो आईसी है। यदि ऑडियो आईसी नहीं होती है तो ये जाता है पावर आईसी के अंदर। अब यहाँ पे जो ऑडियो आईसी है, ऑडियो आईसी को चलाने के लिए जैसा अभी बताए थे बीपीएच आता है या बैटरी का प्लस, तो बैटरी का प्लस पॉइंट इसके अंदर कहाँ है, ये रहा, तो बैटरी के प्लस से चेक कर लेते हैं कहीं भी कोई ट्रैक नहीं आ रहा। अब चेक करेंगे बीपीएच लाइन से, जिसे कहते हैं बैटरी फेस। तो बीपीएच लाइन, ये चार्जिंग आईसी है, यहाँ से बनती है किसी भी फोन के अंदर। तो पहले यहाँ पे चेक करते हैं ग्राउंड, इधर ग्राउंड है, इधर ये ग्राउंड है, ये इसका ये पॉजिटिव है, तो इसका पॉजिटिव पकड़ेंगे यहाँ से, पॉजिटिव को पकड़े। पकड़ने के बाद इस आईसी के पास चेक करेंगे कहाँ भी पाता है, या तो बैटरी का प्लस या बीपीएच, दोनों में से कोई ना कोई आना चाहिए, नहीं आता तो जम्पर डाल सकते हैं किसी से भी। यहाँ पे बजा, इस पे भी है, इस पे भी है, तो दो कंपोनेंटों से ये लाइन इसके अंदर पहुंच रही है। दो कंपोनेंटों से ये लाइन इसके अंदर पहुंची और स्पीकर के प्लस पॉइंट से भी इस पे आ गया कॉइल के माध्यम से। अब बात करते हैं इसके बूट कैप की, इसके अंदर या किसी भी फोन के अंदर जहां भी बूट कैप होता है, जहां भी बूट कैप होता है, बूट कैप ग्राउंड नहीं होते, तो चेक करते हैं, एक पॉइंट ग्राउंड कर देते हैं कहीं भी।
एक राउंड किए, इधर ग्राउंड है देखो ये, तो ये तो बूट कैप नहीं है, दो ये बचे, ये ग्राउंड नहीं है, 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 तो ये दोनों इसके बूट कैप, तो बूट कैप जो है इसके दोनों है, स्पीकर के दोनों लाइन ये आ रही हैं, बीपीएच और इस पे आ रहा है, यहाँ पे बीपीएच आ रहा है, इसका ये ऑडियो सेक्शन है पूरा। सर यार जंपर